अब मैं यहाँ पर अपनी वैक्सीन की रिपोर्ट दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। इन्होंने डिवोशनल पॉइंट सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच क्रिश। और हमें सब्सक्राइबर मिल गए, अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आज जा रहा हूँ वैष्णो देवी यात्रा करने एक बार फिर से। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और मैं आज जा रहा हूँ वैष्णो देवी यात्रा करने एक बार फिर से। लास्ट में आया था 23 तारीख को वैष्णो देवी से, और इस समय मैं फिर जा रहा हूँ। आज है 5 अक्टूबर, पूरे नवरात्रे में माता रानी की यात्रा पर रहने वाला हूँ। उम्मीद है डेली व्लॉग मैं वहाँ से डालूँगा, तो आप डेली देख पाएंगे कि यात्रा पर कैसा माहौल रहता है। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ, और मेरी ट्रेन 8:50 की है यहाँ से, तो सुबह पहुँच जाऊँगा लगभग 7:50-7:55 तक पहुँच जाऊँगा। उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन है, और पूरे माता रानी के 9 दिन मैं वहीं रहने वाला हूँ नवरात्रे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। फ़िलहाल मैं ज़रा बैग चेक इन करा लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है देखो यहाँ पे। तो अभी बैग वगैरह की चेकिंग करा लेते हैं। और रेलवे स्टेशन कितना सही प्यारा लग रहा है, ये देखो अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, कितना प्यारा लग रहा है। और देखो लाइन यहाँ पे लगी हुई है, चेकिंग वगैरह करा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज फाइनली मुझे एस्केलेटर ठीक मिल गया है। काफ़ी बड़ी बात है, जब भी आते थे एस्केलेटर ख़राब ही मिलता था, तो अब एस्केलेटर ठीक मिला है जो काफ़ी अच्छी बात है। हर बार भागना ही पड़ता था एस्केलेटर पर, ख़राब ही मिलता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एस्केलेटर पर चढ़े और तभी के तभी ख़राब हो गया। फिलहाल मैं आ तो गया हूँ ऊपर, पर अभी प्लेटफॉर्म का नहीं पता है क्योंकि मैं 1 घंटे से भी पहले पहुँच गया हूँ। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 15 था, और अगर मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ तो वो दिखाता है कि 16 है। अब ये कन्फ्यूज़न तो तभी दूर होगी जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे असल में लग जाएगी। 16 इधर है, 15 इधर है प्लेटफॉर्म, अब पता नहीं क्या करना है। लेट्स सी, थोड़ा सा रुकता हूँ 5-10 मिनट और फिर देखते हैं। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे था, और ट्रेन आ गई है 15 पे। इससे पहले भी ट्रेन 15 पे आई थी, इस बार भी 15 पे आ गई, और नेट पे 16 ही दिखाता है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने प्लेटफॉर्म 15 ही कर दिया इसका परमानेंटली। तो फिलहाल मुझे वही सीढ़ियाँ चढ़ के और वहाँ जाना है, तो जाता हूँ मैं फ़िलहाल। तो अभी मैं स्टेशन पे आया था, और हमें सब्सक्राइबर मिल गए, अच्छी शुरुआत हुई है। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली पे, और अभी हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं। इन्होंने मतलब पहचाना, काफ़ी मतलब एक डरते डरते आए कि भाई आपका चैनल है क्या, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। सो मच, थैंक यू। और सर भी यात्रा पे जा रहे हैं, सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ सर हैं और यात्रा पे जा रहे हैं माता रानी की। सर नहीं, भाई। सौरभ भाई है, फैमिली लगती है। हाँ, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। तो अच्छा लगा इनसे मुझे मिलके, उम्मीद है यात्रा पे भी इनसे मिलेंगे कल भवन पे, और आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दी, जय माता दी। तो फिलहाल मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, बट जो सीट्स इस बार मिली हैं पता नहीं अजीब सी मिली हैं, और मतलब दिखने में गंदी हैं, हाथ लो तो गंदी नहीं है, अजीब सी है। मतलब मेरी सीट तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी आई है, बट खैर कोई नहीं। और भाई क्या है, देखो ट्रेन हमारी रामनगर स्टेशन पे रुकी है, और यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बंदर हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो। और इस डॉगी को लगता है चोट लग गई है। अभी यहाँ से कटरा पहुँचने में लगेगा लगभग, मान के चलिए,
अभी आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा अभी हमें कटरा पहुंचने में, तो अप्रोक्स 8 बजे के आसपास ट्रेन पहुंच जाएगी। अभी 7:24 हुए हैं, उसके बाद कटरा उतर के यात्रा शुरू कर दूंगा मैं। ट्रेन का भी हॉर्न अभी बज चुका है, सब लोग अंदर जा रहे हैं फिलहाल, पर हाँ ट्रेन चल गई है। तो फिलहाल अभी ट्रेन आ गई है उधमपुर में, और यहाँ से कटरा ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है। यहाँ से कटरा पहुँचने में वही 20 से 25 मिनट का समय लगेगा टोटल। और अभी हमें एक भाई मिले हैं, नाम क्या है आपका? तनीश। तनीश कहाँ से आप? हरियाणा। हरियाणा, अच्छा तो आप वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं अभी? अच्छा वैष्णो पहली बार या मतलब जा चुके हैं? जा चुके हैं पहले भी। अच्छा पहले भी जा चुके हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? अच्छा रहता है, बढ़िया। तो अभी परिवार के साथ आए? हाँ परिवार। चलो अच्छी बात है। अभी हमें हमारे डिवोशनल पॉइंट परिवार के एक और सब्सक्राइबर मिल गए हैं। सर नाम क्या है आपका? जुगल। जुगल सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से की जय। हाय आपका क्या नाम है? क्रिश। क्रिश, ये क्रिश ने मुझे बताया कि इन्होंने डिवोशनल पॉइंट सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच क्रिश। आप मदानी की यात्रा पे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पहले भी आए हो आप? तो पैदल यात्रा करने वाले हो? कैसे पैदल करने वाले हो, कर लोगे? चलो ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। तो अभी फिलहाल मैं कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं, और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आई है इस समय दिल्ली वाली ट्रेन में। उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन से मैं आया था, सुबह 8 बजे का इसका टाइम था, और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर अपनी वैक्सीन की रिपोर्ट दिखा के आगे बढ़ जाऊँगा। जिसके पास वैक्सीन की एक डोज की रिपोर्ट है वो वैलिड नहीं मानी जा रही है, उसे टेस्ट दिखाना पड़ेगा अपना कोरोना का RT-PCR का, ये ध्यान रखना है। 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उन्हें टेस्ट कराना है। ट्रेन से उतर के आपको ऐसे लाइन में लगना होता है, एक लाइन जैसी कि लगी हुई है, ये लगी है उन लोगों की जिनके पास कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट है या फिर उनके पास दोनों वैक्सीन की डोज की रिपोर्ट है। एक दूसरी लाइन लग रही है, एक उधर से एक दूसरी लाइन लगी हुई है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो रिपोर्ट है या फिर वैक्सीन की सिंगल रिपोर्ट है, तो उन लोगों को टेस्ट कराना पड़ेगा। और आगे टेस्ट भी हो जाता है फ्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टेस्ट को कराएंगे अगर आप यहाँ पे, तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा आपको रिज़ल्ट आने में, टेस्ट कराने से लेकर रिज़ल्ट आने में। तो आपके ऊपर है, आप टेस्ट पहले करा के आते हैं। अगर आप करा के आएंगे टेस्ट, तो आपको RT-PCR का टेस्ट कराना है, कोरोना का RT-PCR का टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना वैलिड नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये उन लोगों की लाइन लगी जिनके पास ना तो रिपोर्ट है कोई, ना उन्होंने कोई वैक्सीन वगैरह ली है या फिर सिंगल वैक्सीन ली है। ये उन लोगों की है या तो जिनके पास दोनों वैक्सीन की डोज है या फिर जिनके पास टेस्ट RT-PCR का। तो अभी भी रेलवे स्टेशन पे आधा घंटा तो हो गया, बट इन्होंने रोक के रखा हुआ है, लाइन अभी भी लगी हुई है यहाँ पर, और कोई रीज़न नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्यों रोक के रखा है। सबके पास वैक्सीन की रिपोर्ट है या फिर टेस्ट करा के हैं, बट ये नहीं बता रहे कि क्यों रोक के रखा है। अब देखना पड़ेगा कितना और टाइम लगने वाला है हमें यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फिलहाल मैं कटरा रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, जहाँ पर कोरोना टेस्ट की भी जांच की जा रही है। ध्यान रहे जो वैक्सीन की दोनों डोज लेकर आया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले ही RT-PCR का कोरोना टेस्ट करा कर आया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आकर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दिखा देनी है, टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बट यहाँ पर उन लोगों के लिए दिक्कत है जिन्हें वैक्सीन की एक डोज लगी है या फिर कोई कोरोना टेस्ट करा के ही नहीं आया। ऐसे लोगों को यहाँ पर आकर कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा जिसमें उन्हें लगभग घंटे भर तक का समय लग सकता है। मेरे पीछे लोगों की लाइन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना टेस्ट यहीं करा कर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो यहाँ पर आकर कोरोना टेस्ट करा रहे हैं अपना। तो हर तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल से छोटी उम्र के जो भी बच्चे हैं उन्हें कोई कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सिंगल डोज वाले उन्हें भी टेस्ट कराना पड़ेगा, और यहाँ पर ध्यान रहे जो कोरोना टेस्ट नहीं करा करें उन्हें तो कराना ही है। जय माता दी। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आना चाहते हैं, पीछे आप देख सकते हैं माता रानी का प्यारा त्रिकुटा पर्वत है। आपको बता देना चाहता हूँ सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इस रेलवे स्टेशन पर आकर आप माता रानी की यात्रा पर पहुँच सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं जो त्रिकुटा पर्वत है माता रानी का, जहाँ पर माता रानी विराजमान है, वैष्णो देवी यात्रा स्थित है। अगर आप इस यात्रा पर आना चाहते हैं तो ज़रूर आप आ सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर आने के बाद यहाँ से आपको मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर चलना होगा। ऊपर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यात्रा पर जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर सेवाएं भी ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग पहले ही करा चुके हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से हेलीपैड की दूरी मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर दूर होगी, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। उसका किराया लगभग 1780 रुपये वन साइड है। हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांझी छत उतार देगा और वहाँ से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर रह जाती है। तो फिलहाल कटरा रेलवे स्टेशन का क्या प्यारा नज़ारा है आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटो की सेवाएं मिल जाती है कटरा चौक के लिए और माता रानी के दर्शनी द्वार तक के लिए। दर्शनी द्वार वो जगह है जहाँ से माता रानी की यात्रा असल में शुरुआत होती है। अगर आप चाहें तो कटरा चौक भी जा सकते हैं। कटरा चौक के लिए किराया ऑटो का होगा 105 रुपये, प्रति ऑटो का जो किराया होगा 105 रुपये होगा। और देख सकते हैं जो भी भक्त माता रानी की यात्रा पर आते हैं, ज़्यादातर भक्त कटरा रेलवे स्टेशन तक आना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है माता रानी की यात्रा पर आने का। वहाँ पर आप माता रानी का प्यारा भवन देख सकते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो उधर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर आपको ज़रूर दिख रहा होगा। जो भवन परिसर है वो इस पहाड़ी के पीछे है। तो जो कटरा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहीं पे आपको जो डॉर्मेट्री है उसकी सर्विसेज मिल जाती हैं। सर ने हमें बताया 203 रुपये नॉन एसी का है। इसमें ब्रेकफास्ट फ्री में मिलता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट वगैरह फ्री में मिल जाता है। फ्री में मिलता है। हमारा पिकअप ड्रा मिलेगा बाणगंगा का। अच्छा, उसमें मिनरल बाटलें मिलेंगी। यात्रा पर्ची बाहर 1.5 घंटा लगता है, हम ऊपर से प्रोवाइड करवा कर दे देते हैं जी। दूसरा, जहाँ फैसिलिटी मिलेगी और सफाई मिलेगी आपको जी, एक नंबर। जैसे बाहर लगा लीजिए किसी होटल में कोई तकिया नहीं धुले होते हैं, चादरें नहीं धुली होती हैं, जहाँ पूरी क्लीन के साथ मिलेगा आपको, एक नंबर फैसिलिटी मिलेगा IRCTC की तरफ। मतलब अगर कोई नॉन एसी डॉर्मेट्री भी लेता है और एसी भी लेता है, दोनों को सेम फैसिलिटीज़ मिलेगी। हमारा जो टैरिफ है ना सर, इसमें पूरा आपका पूरी फैसिलिटी मिलती है। जैसे जो 3 बेड वाला फैमिली रूम है, इसका वाशरूम आउटसाइड होता है जी जी, फैसिलिटी सेम मिलेगी सभी। तो देखिए, अभी हमें सर ने यहाँ पर बताया कि अगर आप यहाँ पर डॉर्मेट्री लेते हैं नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है काफ़ी कम पैसे में। तो यहाँ पर अभी हमने सर से पूछा, सारी जानकारी हमने पूछी। तो अगर आप नॉन एसी या फिर एसी डॉर्मेट्री भी लेते हैं तो आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, वाटर बॉटल मिल जाती है, सैनिटाइज्ड रूम मिल जाते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम विक्की कुमार है। विक्की कुमार है। तो मैं आपको डॉर्मेट्री अभी दिखा देता हूँ जिससे कि आप रेफरेंस के तौर पर देख सकें। और जो भी यात्री आते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे, अगर उन्हें फ्रेश होना होता है तो बजाय वो इधर उधर होटल लेने के, यहाँ पे डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, और डॉर्मेट्री में रुकने के बाद वो अपनी आगे यात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं इस तरीके से जा रहा हूँ यहाँ पे डॉर्मेट्री चेक करने के लिए। तो आप IRCTC की अगर डॉर्मेट्री सर्विसेज लेते हैं तो देखिए, काफ़ी क्लीन यहाँ पर आपको मिल जाती है। जो जगह है बहुत ज़्यादा क्लीन है, और मैं आपको अभी रूम के अंदर लेके चलता हूँ।
वहीं आप सभी भक्त जो सामने नज़ारा देख रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन के पहले फ्लोर पर बनी डोरमेट्री का नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ आप सभी भक्तों को साफ सुथरी रहने की व्यवस्था मिल जाती है काफ़ी सस्ते रेट पर, जिसका शुल्क 203 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ही होता है। यहां पर आपको वाईफाई की सुविधा भी निःशुल्क मिल जाती है, साफ शौचालय की सुविधाएँ भी पूरी तरीके से निःशुल्क मिल जाती है। तो अगर आप सिर्फ नहाने धोने के पर्पज़ से ही, फ्रेश होने के पर्पस से ही कोई होटल रूम लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर डोरमेट्री का भी चुनाव कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी सुविधा है। अब वो लोग जो कि डोरमेट्री नहीं लेना चाहते तो इस वेटिंग हॉल में आके यहाँ पे नहा धो सकते हैं। यहाँ पे भी नहाने धोने की पूरी फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम है और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन वगैरह मिल जाता है, हालाँकि ध्यान रखने इस बात का कि इस जगह चोरी वोरी ज़्यादा हो जाती है, तो जब भी भीड़ वगैरह हो और आप यहाँ पर आएँ, जो रेस्टिंग रूम है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे चोरी हो जाती है बहुत जल्दी। ये आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल है, तो यहाँ पर आकर ही सब नहा लेते हैं। तो अगर आप नहाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सर्विसेज मिल जाती हैं। ये वाला पूरी तरीके से फ्री है, अगर आप इसमें आएँगे तो ये वाला पूरी तरीके से फ्री है, और वो वाला जो डोरमेट्री था उसमें आपको पैसे देने होते हैं। तो आप ज़रूर अपने हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आपको थोड़े ढाबे वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, और अगर आप सिम खरीदना चाहते हैं तो सिम भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट की सिम है वो यहाँ नहीं चलती है अगर वो सिम प्रीपेड है। अदर स्टेट की ओनली पोस्टपेड सिम यहाँ पर चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर यात्री सिम मिल जाती है, इधर आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं यात्री सिम। और अगर आप यात्री सिम लेते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड यहाँ पर नहीं चलता है, आपको अपना वोटर आई डी कार्ड दिखाना होता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, दो ही चीज़ें यहाँ पर मेनली वैलिड मानी जाती है जम्मू कश्मीर में। आधार पे यहाँ पे सिम नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपनी यात्री सिम ले सकते हैं, वो सिम हैंड टू हैंड चालू हो जाती है। यात्री सिम अगर आप लेते हैं तो 300 से 400 रुपए उसका किराया आपको देना होता है और वो चालू ही रहती है। अगर आप उसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे तो कुछ देर बाद फिर वो बंद हो जाएगी। एक सिम होती है प्रीपेड टू पोस्टपेड, अगर आप फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आते रहते हैं तो वो सिम ले सकते हैं, वो हमेशा ही चालू रहेगी, अदर स्टेट में जाके भी वो चालू रहेगी, और उसका रिचार्ज कराना पड़ता है 10 रुपये का बस आपको। तो यहाँ पर देखो भाई नवरात्रि की सजावट कितनी सही हो गई है। अभी ये कटरा रेलवे स्टेशन के पास का नज़ारा है, पहले यहाँ पर सजावट नहीं होती थी बट अब होने लगी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, और आपका नाम क्या है? अंकुश। आपका? यश। तो ये भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो अभी यात्रा ही शुरू नहीं करने की है, अभी इन्होंने नहीं की है और मैंने भी अभी यात्रा शुरू नहीं की है, तो अभी मुझे कटरा में मिल गए हैं, अभी रेलवे स्टेशन के पास ही मुझे मिल गए थे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना भैया, जय माता दी बोल दो यार। जय माता दी। वेरी गुड। तो पैदल चलने का यही फ़ायदा होता है कि हम लोगों से मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है अगर हम पैदल चलते हैं। तो सब्सक्राइबर अभी मिल चुके, और भी सब्सक्राइबर मिले थे, हालांकि उनकी वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो ऐसे ही आप सब लोग मिलते हैं तो प्यार बांटते हैं एक दूसरे में, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना मिलते हैं, प्यार करते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप? बढ़िया, बहुत दिन हो गए मिले नहीं हो। हाथों से निकलते जा रहे हो। आते जब हम यहाँ पे नहीं होते तभी हाथों से निकलते जा रहे हैं। अगर मतलब होटल चाहिए ना कटरा में बढ़िया सही रेट पे। अच्छा ये बताओ कि आपके रूम्स वगैरह मैंने भी पहले लोगों को दिखाए थे, लोगों को रूम वगैरह पसंद आए आपके, तो मतलब किस महीने में अप्रोक्स क्या सबसे कम रेट लोगों को आप दे सकते हो? जनवरी में। जनवरी में क्या रेट मिल जाएगा? मतलब 600 जनवरी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी जैसे दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर, उसमें तो रेट ज्यादा होते हैं। हाँ। अपना जो कस्टमर आएगा 1500 रेट होगा तो उसके लिए 1200-1000 ही होगा। अच्छा, मार्केट जो मतलब कम ही जो मार्केट का रेट चल रहा होगा उससे 200-300 रुपए कम ही देंगे। अभी नवरात्रों में 1200-1500 रेट है, लेकिन जो कस्टमर अपने आ रहे हैं उनका 800 चल रहा है, 1000 चल रहा है, यही चीज है। मतलब जो परमानेंट कस्टमर बन गया, मान लो आप आते रहोगे, इनसे जान पहचान हो जाएगी, तो यही है कि मार्केट रेट से 200-300 कम ही मिलेंगे। और जो रूम है मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, बहुत ही अच्छे रूम, एकदम साफ सुथरे रूम है। तो अगर यहाँ पर आप कटरा में रुकना चाहते हैं तो ज़रूर आप इनसे कांटेक्ट करें, बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
और होटल की सर्विसेज में ज़रा भी कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलेगा। होटल जैसे कोई रूम लेता है तो आप उन्हें टैक्सी की सर्विस वगैरह पिक एंड ड्रॉप की दे देते हैं, मतलब स्टेशन से बस स्टैंड तक की भी पिक एंड ड्रॉप की फ्री में आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे देते हैं भाई बाबा। जब भी आए थोड़ा इन्हें परेशान करते रहा करो यार, ठीक है, ये तो हमारा काम है, परेशान वाली कोई बात नहीं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ होटल का रूम वगैरह कैसा है, तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए मेनली ये 4-bedded रूम आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 3 लोग सो जाएंगे, वहाँ पे आराम से एक बंदा, और काफ़ी फर्निश्ड रूम, टीवी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये नॉन एसी रूम है तो इसका आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। और वॉशरूम वगैरह भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से देखिए वॉशरूम वगैरह आपको मिल जाता है, साफ़ सुथरा है होटल, कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप यहाँ पे रुक जाइए। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था होटल का, तो जो इनके भाई हैं बड़े भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका नाम है किशोर, उनका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनका नंबर ये है भगवान सिंह जी का, और होटल ये है राधा निवास। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आप होटल में आ जाइए, आपको देखिए यहाँ पे बढ़िया सर्विस मिल जाएगी, साफ़ सुथरा होटल है, साफ़ सुथरे रूम हैं, बजाय इधर उधर कहीं भी ऐसे जाने के और महंगा रूम लेने के, आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। पता है इससे पहले मैं आया था ना, तो मैं वो मिठाई बना के लाया था, तो मुझे लगा आप मिलोगे, बट आप वो तो लड़कों ने खाली बाद में पता चला, अच्छा पता लग गया, पता लग गया है, मैं मिठाई लाया था अपने हाथ की बना के, तो ये तो मिस कर गए, अब नहीं मिलेगी आप, अब नहीं मिलेंगे, चलो अब दिल्ली में खा लेंगे, आगे खा लेना, ठीक है, इन्हें बुला रहा हूँ, मैंने कहा दिल्ली आ जाओ, आ नहीं रहे, कब आओगे दिल्ली क्या करेंगे, दिल्ली के तो यहाँ पे आ रहे लग रहा है, बारात लेके आएंगे दिल्ली, लड़की वड़की हम ढूंढवाएंगे, हमारा काम कोई नहीं, आप ढूंढ लो फिर सोचेंगे, ढूंढ लो फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो अभी चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, आगे यात्रा में बढ़ूंगा, आधा घंटा के अंदर मतलब आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा यात्रा के लिए, क्योंकि लेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, बाणगंगा में भी टाइम लगेगा और आगे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, भवन पहुँचते पहुँचते 4-5 से भी ज़्यादा बच जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, फिर आपको वीडियो में आगे मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल होटल से चल के अब मैं मातन की यात्रा की ओर बढ़ रहा हूँ, भवन की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। अगर आप मातन की यात्रा तक पहुँचना चाहते हैं ऑटो से ही, तो आपको ऑटो वाले को बोलना होगा कि आपको दर्शनी द्वार तक जाना है। दर्शनी द्वार दरअसल वो जगह है जहाँ से मातन की यात्रा असल में शुरू होती है, तो वहाँ तक लिए आप ऑटो कर सकते हैं, और आपको ऑटो डायरेक्टली वहीं छोड़ देगा, तो आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मैं तो पैदल जा रहा हूँ क्योंकि मैं समर्थ हूँ पैदल चलने में, जो लोग समर्थ नहीं हैं वो ज़रूर ऑटो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पीछे ऑटो वगैरह आ रहा है, तो इसी तरीके से ऑटो में लोग बैठ के जाते हैं। तो फिलहाल मैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए दर्शनी द्वार पर पहुंचने वाला हूं, और इससे पहले मैं 23 तारीख को आया था, 23 तारीख से पहले मैं 12 के आसपास में आया था, 10 या 12 तारीख में आया था, तो इस महीने में मैं माता रानी की यात्रा पर तीसरी बार आ रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं तीसरी बार एक ही महीने में कंटिन्यूसली माता रानी की यात्रा पर आ पा रहा हूं, और यात्रा पर आकर काफ़ी अच्छा अनुभव होता है हर बार ही। और यहाँ पर शॉप्स वगैरह आप देख सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आप भक्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें आप सभी भक्तों को मैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अक्टूबर महीने के होने वाले नवरात्रे में कराने वाला हूँ, जहाँ पर बाणगंगा, चरणपाद का, अर्धकुंवारी और भवन भैरव बाबा के दर्शन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मिलेंगे जल्दी ही वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय माता दी।